आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से नए संसद भवन का दिव्य और भव्य तरीके से सर्वधर्म संभाव के रूल को फॉलोअप करते हुए उद्घाटन किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, अपनी नई संसद बहुत ही दिव्य और बहुत ही भव्य है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री के ईमानदारी और उनकी पराकाष्ठा को दर्शाता है। 70 साल से बहुत सारे लोगों ने शासन किया देश पे, किंतु भ्रष्टाचार और अपनी गलत नीतियों के चलते ही वो फंसे रहे और कभी भी देश हित का कोई कार्य नहीं कर सके। आज उनके 9 साल के कार्यकाल में आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अगर मैं उनके कार्यों को गिनाऊंगा तो इतने सारे कार्य हैं कि वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। लेकिन आप सभी लोगों को जानते हैं आप, चूँकि आज अपने लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे गर्व का दिन है, क्योंकि आज का दिन सदियों सदियों तक, जब तक ये भारतवर्ष रहेगा तब तक इस नई संसद को याद किया जाता रहेगा। आइए, हम लोग रिपब्लिक भारत में निवास करते हैं, इसलिए इस जश्न को हम सभी लोग मिलकर के मनाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के, जो कि एलटी ग्रेड 2018 से संबंधित है। हमारे तमाम भाई बहन पूछते हैं कि सर जी कब तक वेटिंग लिस्ट आएगी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपकी प्रतीक्षा सूची 10 जून के पहले पहले जारी कर दी जाएगी। अब आप कहेंगे सर जी अभी तक तो 27 तारीख को आ रही थी, अब 10 जून हो गया, उसकी एकमात्र वजह है। वजह यह है कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कल की डेट में एक पत्र भेजा गया था आदरणीय सचिव महोदय के माध्यम से, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था शासन ने कि मतलब आपने जो चीज़ें प्रेषित करनी है, जो शासनादेश हमें जारी करना है, जो निर्देश जारी करना है, तत्काल जारी करिए ताकि हम समस्त विषयों की प्रतीक्षा सूची जारी करके तमाम चीज़ों को फॉलोअप कर दें। सॉरी, मैंने 10 जून कहा, मैं इसको बता दे रहा हूँ 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची को जारी किया जाएगा, ठीक है ना। मतलब मैं 5 दिन एक्स्ट्रा बता दिया था, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ये प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद जो आप लोगों की वेरिफिकेशन का जो मामला होता है, सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। इसमें विद्यालय बंद चल रहे हैं, फिर भी एक विशेष पैनल बना करके आप सभी लोगों को जून के अंदर ये सारी चीज़ें, आपकी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर दी जाएंगी, ताकि 1 जुलाई से, चूंकि आप जानते हैं GIC और GGIC कॉलेजेस में, और साथ ही साथ आप लोगों को अन्य विषयों में भी काफ़ी सारे पदों को रिक्त होते हुए आपने देखा होगा, और अध्यापकों की कमी से GIC कॉलेजेस GGIC कॉलेजेस इसमें जूझ रहे हैं। और सर्वाधिक चीज़ें आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि GIC और GGIC कॉलेजेस में इसमें बहुत बदतर स्थितियां हैं, है ना। इतने सारे अध्यापकों के पद खाली हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 1 जुलाई से आप लोगों को नियुक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, ताकि आप लोग विद्यालयों में थोड़ा सा प्रबंध तंत्र को संभालिए अध्यापकों की तरह, और जब ये नई एलटी ग्रेड GIC प्रवक्ता फाइनल हो जाएगी तब भाई जाहिर सी बात है आप लोगों के सहयोगी आ जाएंगे, और ऐसा नहीं कि तब आप निकाल दिए जाएंगे, आप परमानेंट टीचर रहेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाते रहेंगे। हमारे भाई बहनों ने एक हमसे सवाल किया था, क्या सर कंप्यूटर साइंस की कोई भी आएगी वेटिंग लिस्ट। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी विद्यार्थी पार ही नहीं कर सका, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोक सेवा आयोग ने अपनी परीक्षाओं में रख रखा है, ठीक है ना। इसलिए कंप्यूटर साइंस की कोई भी प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होगी। अब जितने भी पद उनके रिक्त थे, बहुत सारे पद रिक्त थे, आधे ज़्यादा पद रिक्त चले गए थे, उन सारे पदों को नए विज्ञापन में ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो डजंट मैटर, अगर कोई आपसे ये चीज़ें कह रहा है कि प्रतीक्षा सूची कंप्यूटर साइंस की आएगी, तो आप लोग उसे कोरी अफवाह और मुंगेरी लाल के सपने ही समझ सकते हैं, ठीक है ना। 8 विषयों की प्रतीक्षा सूची जारी होगी, जिसमें कला विषय भी सम्मिलित है, ठीक है। और कला विषय की प्रतीक्षा सूची पे ही इसमें लोक सेवा आयोग की कलम रुकी हुई है, और शासन से लगातार इस बात के लिए कॉन्टेक्ट किया जा रहा है कि यथाशीघ्र दिशा निर्देश जारी किए जाएँ, ताकि चीज़ें आसान हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप लोगों के एलटी ग्रेड GIC प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के। कल की डेट में भी एक रिमाइंडर भेजा गया है शासन ने, और कुछ लोग आप सभी लोगों से ये बोल रहे होंगे ना कि नए शिक्षा सेवाचार आयोग के माध्यम से होगा,
ये भर्ती मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अभी ना ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी हुआ है, ना ही शासन ने इस चीज़ को क्लियर किया है, ना माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि भैया ऐसी बात है कि आप इस चीज़ को कि नए शिक्षा सेवाचन आयोग से कराएंगे, आप अधियाचन वापस कर दीजिए। अधियाचन अभी भी अपडेटेड अवस्था में अधियाचन लगातार आ रहे हैं लोक सेवा आयोग में, और ये 30 जून तक रिटायर होने वाले शिक्षकों के पूरे पद उसमें सम्मिलित किए जा रहे हैं। तो अगर अध्याचन को वापस भेजना होता तो डायरेक्ट शिक्षा निदेशालय जाते ना, काहे के लिए जो मतलब लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में कुछ पदों का पूरा ब्यौरा, जो नए पद सृजित हुए थे 1315 पद, उनको बाकायदा वेरीफाई करके कैटेगरी वाइज डिवाइड करके वो लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। अगर ऐसी कोई जो है मतलब मंशा होती माध्यमिक शिक्षा विभाग की या माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की, तो जाहिर सी बात है वो सारे अध्याचन वो शिक्षा निदेशालय में रखे जाते, काहे के लिए प्रेषित करते उसमें, है ना, सारी समस्या हो जाती। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आपका ये विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही अभी जारी होगा, क्योंकि सचिव और अनुसचिव दोनों महोदयों का यह कहना है कि ये विज्ञापन अभी फिलहाल लोक सेवा आयोग के दायरे में है, ठीक है। तो रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जून के प्रथम सप्ताह तक आप सभी लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आर ओ आर ओ के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए आर ओ आर ओ के नए विज्ञापन के संबंध में, चूंकि आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है तो कई मुख्यमंत्री वगैरह भी पधारे हैं और अपने महाराज जी भी गए हैं, है ना, तो आज की डेट में तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि आप लोगों को बहुत जल्दी ही एलिजिबिलिटी और इक्विलेंट के मामले को एकदम क्लियर आप देखेंगे। साथ ही साथ आर ओ आर ओ की वैकेंसी को लेकर के कार्मिक विभाग भी इसमें कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कार्मिक विभाग के जो मंत्री महोदय हैं, है ना, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि यथाशीघ्र सचिवालयों में आर ओ आर ओ की नियुक्ति की जाए। शासन ने एक पत्र भी जारी किया था, लोक सेवा आयोग इस भर्ती को फास्ट ट्रैक पर रखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। विद इन सेवन मंथ आप सभी लोगों की यह भर्ती कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है ना। तड़ातड़ प्रयोग होगा, तड़ातड़ रिजल्ट आएगा, तड़ातड़ मेंस होगा, फटाफट रिजल्ट आएगा और आप लोगों की नियुक्तियां हो जाएंगी, ठीक है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। यदि आप सभी लोगों ने सफलता अर्जित करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर के। देखिए टीजीटी पीजीटी एकदम कन्फर्म हो चुका है कि आप लोगों की कब होगी, ठीक है। जून में आपका आयोग बन रहा है, जुलाई और अगस्त ये दो महीने बचेंगे, इन दोनों महीनों में ही आप सभी लोगों को अगस्त लास्ट में आप लोगों को ये पेपर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे परिवर्तनों का दौर है, तो जाहिर सी बात है कि विज्ञापनों में हलचलें बढ़ना वो लाजमी है, है ना। और जैसे ही जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, जाहिर सी बात है वो हर किसी को या हर वर्ग को खुश नहीं किया जा सकता, है ना, कोई ना कोई असंतुष्ट रहेगा ही। अगर किसी को एक चीज़ देंगे तो दूसरा चार चीज़ मांगेगा, है ना। इसके लिए इस बात को जो है मतलब किया गया है, और आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश शासन ऐसा पहली बार भी कर चुका है कि जबकि मतलब जबरन रिटायरमेंट दिया जाता है, है ना, अगर व्यक्ति योग्य नहीं, कार्य नहीं कर पा रहा है अपना, तो जबरन जो है मतलब रिटायरमेंट दिया गया है। 55 साल में 58 साल में लोगों को रिटायर कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, चूँकि एज का जो क्राइटेरिया है, अगर आप जो ये आदेश दिया गया है कि किसी भी पद पे चयनित होने के बाद कोई व्यक्ति जो है तो उस पद पे अपनी सेवाएं कम से कम 20 वर्ष तक दे, ठीक है ना, क्योंकि एक पद के चयन के लिए, एक पद के विज्ञापन के लिए गवर्नमेंट को अच्छा खासा चपत लगता है, मतलब खर्चे आते हैं, है ना। अगर विज्ञापन जारी होता है तो उसमें भी खर्चे आते हैं, एग्ज़ाम कराना पड़ता है तो उसके लिए भी खर्चे आते हैं, है ना। आपने देखा होगा करोड़ों रुपए आपके वीडियो और एग्ज़ाम में लगने चल रहे हैं, एग्ज़ाम के क्या पहली बार जब पेपर कराया था तो वो शुल्क तो चला गया, अब विद्यार्थियों से तो कोई शुल्क लिया नहीं गया, लेकिन अब गवर्नमेंट अपने पास से पैसा दिए कि आप फिर से इसका री एग्ज़ाम कराइए, और अधिकारियों को बाकायदा सख्त हिदायत दी गई है, यदि इस बार कोई गड़बड़ी हुई तो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। इसलिए अधिकारियों जो है मतलब एकदम काक दृष्टि बन चुके हैं, काक दृष्टि हाँ, इसलिए कह रहे हैं बढ़िया तैयारी कर लो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए, उसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये एग्जाम आप सभी लोगों का अगस्त महीने में होगा, ठीक है ना। एकदम पूरी तरीके से मंशा है गवर्नमेंट की, जो इच्छा शक्ति दिख रही है वो अगस्त के महीने की ही दिख रही है। और आप लोगों को मैं बता दूँ,
जब नया आयोग बनेगा उसमें सर्वप्रथम आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी ही देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी देखने के लिए मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ये भर्ती है, ये भर्ती आप सभी लोग विद्यार्थी बहुत ज़्यादा अकुल आ गए हैं, मतलब तैयारी लगता है उनकी तैयारी की जो गगरी है वो भर चुकी है और छलक रही है, इसलिए विद्यार्थी अकुल आए हुए हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराओ एग्ज़ाम कराओ एग्ज़ाम कराओ। चल भैया ठीक है, जुलाई में एग्ज़ाम दो, जुलाई में आप सभी लोगों को पेपर प्रस्तावित हो सकता है, ठीक है ना। और जो सूचना प्राप्त हो रही है इसमें लगभग 41 वैकेंसियों को समायोजित किया जा रहा है आपके नए शिक्षा निर्वाचन आयोग के परीक्षा कैलेंडर में, तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियरी होने वाला है। और कई विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर अगर मैक्सिमम एज इसमें जो है लागू कर दिया जाएगा तो भर्तियाँ तो 5-6 साल आती नहीं है, 10 साल आती नहीं है, और पता लगे कि मतलब विद्यार्थी ओवर एज हो जाएंगे, फिर उनको मौका कहाँ से मिलेगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये आयोग जो बन रहा है ये आयोग एक वैधानिक आयोग है, एक कानूनी संस्था बनेगी, बाकायदा इसको विधानसभा विधान परिषद राज्यपाल के माध्यम से सिग्नेचर करके इसकी नियमावली को प्रस्तावित किया जाएगा, पारित किया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, जैसे आपने KVS देखा होगा, जैसे आपने DSSB देखा होगा, जैसे आपने लोक सेवा आयोग देखा होगा, वैसे ही आप सभी लोगों का ये नया शिक्षा निर्वाचन आयोग भी कार्य करेगा, मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा निर्वाचन आयोग ये इसका नाम होगा, ठीक है ना। नया शिक्षा निर्वाचन आयोग कोई मतलब नहीं है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा निर्वाचन आयोग एक कानूनी संस्था होगी जिसमें बैठने वाले अध्यक्ष सचिव सदस्य ये बार बार शासन की तरफ नहीं देखेंगे कि शासनादेश जारी हो तब कोई कार्य हो, वो डायरेक्ट ही डिसीजन लें, तुरंत शासनादेश जारी करें, ठीक है ना, क्योंकि इसका डायरेक्ट अटैचमेंट कहाँ से होगा, शिक्षा निदेशालय से और आपके शासन से होगा, ठीक है। जब कोई संशोधन की बात आएगी या कोई ऐसा क्रिटिकल डिसीजन लेना होगा जिससे में शासन को इन्वॉल्व करना पड़े तो वो चीज़ें शासन करेगा, ठीक है ना। और इसमें तमाम वो भर्तियाँ आपके प्री प्राइमरी लेवल का TET, माध्यमिक का TET, अपर प्राइमरी का TET, प्राइमरी का TET, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड भर्ती, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय भर्ती, LT ग्रेड भर्ती, GIC प्रवक्ता भर्ती, TGT PGT, है ना, ये सारी भर्तियाँ, मेडिकल की भर्ती, टेक्निकल की भर्ती, प्रावधिक की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, ऐसे करके पूरे जो है मतलब एकदम कैलेंडरों की भरमार हो जाएगी, मतलब एग्जामों की, कुछ में आप एलिजिबल रहेंगे कुछ में आप अनएलिजिबल रहेंगे, ठीक है। और जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रवक्ता में बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया जाए, तो देखिए इसकी संभावना 98% है, 98% संभावना है कि आप लोगों को बीएड की डिग्री अनिवार्य की जाएगी। क्यों? क्योंकि 50% को हटाया जाना है, मतलब हटा है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को उसमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, बीएड की डिग्री अनिवार्य की जा सकती है GIC प्रवक्ता में भी। और चूंकि इसमें PGT में तो पहले 50% होता नहीं था, परास्नातक ही मांगता था केवल, तो इसलिए इसमें भी बीएड को रखा जा सकता है। ये हमारे उन भाई बहनों के लिए मैं मानता हूँ बहुत बड़ा जो है मतलब झटका हो सकता है जो नॉन बीएड वाले हमारे भाई बहन हैं, लेकिन इस बार आप सभी लोगों को मैं बता दूं जितने भी तदर्थ शिक्षक प्रवक्ता में हैं, जाहिर सी बात है वो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं अधिकतर, मतलब 100 में से अगर माना जाए तो लगभग 98 विद्यार्थी, मतलब 99 तदर्थ शिक्षक वो बीएड हैं, एक आधे ऐसा है कि जो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उनका जो मतलब वेटेज दिया जाएगा 2023 की वैकेंसी में विज्ञापन में, जाहिर सी बात है वो वेटेज उनका बैलेंस कर देगा, है ना। तो वैसे भी आप लोग प्रवक्ता में आप लोगों का जो है मतलब दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें बीएड अनिवार्य किया जा सकता है। अगर बीएड अनिवार्य भी किया गया तो भी आप सभी लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन मत लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर नॉन बीएड वाले विद्यार्थी हमारे 97 41 13 85 पर मैसेजेस करते हैं तो उनके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी ना तो हमसे जुड़ेंगे नॉन बीएड वाले और ना ही हम उसके लिए प्रयास कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो आपको खोने के लिए तो मैं कह नहीं रहा हूँ, सिर्फ पाने के लिए कह रहा हूँ। आप हमारे चैनल को चेस करिए, अपनी समस्या हमें प्रेषित करिए, हम उसके लिए कार्य करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है UP SSC से। UP SSC लगभग 50% से अधिक कार्य वीडियो और एग्जाम को लेकर के कर चुका है, और आप सभी लोगों को बताया जा रहा होगा कि एडमिट कार्ड इस तारीख को आ रहा है, इस तारीख को आ रहा है, एडमिट कार्ड ससुरवा जब भी आए कोई दिक्कत नहीं है,
है ना, जब भी जारी हो कोई टेंशन ही नहीं है। विद्यार्थियों को पहले ही पता है कि 26 और 27 को हमारा पेपर है ना, तो एडमिट कार्ड चाहे 26 को जारी हो 24 को जारी हो क्या दिक्कत पड़ता है ना। फिलहाल अभी एडमिट कार्ड बनाए जा रहे हैं और 50% एडमिट कार्ड बनने का कार्य भी कंप्लीट हो चुका है। चूंकि थोड़ा सा कर्मचारियों का अभाव चल रहा है इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। और जो पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं इंस्पेक्टर से लेकर के, जो मतलब आपके खान निरीक्षक से लेकर के अन्य प्रकार की भर्तियां मुख्य सेविका आदि की, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मुख्य सेविका के संबंध में जब कल वहां के जन सूचना अधिकारी महोदय से जानकारी मांगी गई तो भाई हो चुकी अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, कहीं अन्यत्र गए थे, शायद घर में कोई फंक्शन वगैरह है। तो हम लोगों ने उप सचिव महोदय से वहाँ पर बातचीत की थी, मतलब हमने नहीं हमारी टीम ने बातचीत की थी और उनसे यूपी ट्रिपल एससी की पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं के विषय में पूछा था। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि विद इन 30 डेज मतलब 30 जून के अंदर अंदर जितनी भी भर्ती प्रक्रिया हम लोगों की पेंडिंग है, वीडियो एग्जाम सबसे बड़ा सरदर्द था हमारा और ये सरदर्द अब ख़त्म होने वाला है। सकुशल हमारा पेपर हो जाए, सकुशल हम एग्ज़ाम करा ले, हमारे OMR जो है हमारे पास आ जाए, उसके बाद जो है मतलब हम सुकून से जो है इस पे कार्य कर पाएंगे। मतलब 30 जून के अंदर अंदर आप सभी लोगों को पेंडिंग जो प्रक्रियाएं हैं वो ख़त्म होती हुई दिखेंगी। काफ़ी लंबी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, कोई कोई प्रक्रिया तो आप सभी लोगों की लगभग 10 साल से लटकी पड़ी हैं, 10 साल ज़्यादा हो गया ना, 5 ही साल पहले 18 से लटकी हैं, है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जितनी भी पेंडिंग प्रक्रियाएं हैं उन सभी को बहुत जल्दी ही कंप्लीट किया जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से और नई प्रक्रियाओं की शुरुआत की जाएगी। और चूंकि इनकी नियमावली में थोड़ा सा वो रहता है, मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि अध्यक्ष रहें, सचिव रहें, सदस्य रहें, तभी इनकी मीटिंग हो सकती है, इसमें थोड़ा सा बहुत बदलाव किया जा सकता है ताकि अगर अध्यक्ष ना भी रहें तो सचिव महोदय उस पर निर्णय कर सकें, परिणाम वगैरह जारी कर सकें, है ना, कोई आंतरिक डिसीजन ले सकें। इन सारी चीज़ों को जो है उस गवर्नमेंट के माध्यम से संशोधित किया जाएगा। निश्चिंत रहिए, कार्य आप लोगों के अनुकूल है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव नैरेटिव के साथ आप सभी लोग आगे बढ़िए, तभी आप लोगों की सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। एक बात मैं आप लोगों को और भी स्पष्ट कर दूं, यदि आपको हमारे नोट्स आज प्राप्त करने हैं तो आप 97-41-13-85 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स आज को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और नई संसद भवन का उद्घाटन का समारोह आप लाइव टेलीकास्ट देखिए, बड़ा आनंद आएगा क्योंकि हमारे देश की संस्कृतियां, हमारे देश की समृद्धि और महान व्यक्तित्व वाले नेतृत्व का आप सारगर्भित तथ्य वहां पर अवलोकित कर सकते हैं। जाहिर सी बात है हम किसी पार्टी विशेष के नहीं है, लेकिन जब देश के गर्व की बात आती है तो जाहिर सी बात है जो बेहतर कार्य करे उसी की बड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता क्या चाहती है, जनता हमेशा ही अच्छा शासन और प्रशासन चाहती है। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।